हेलो एवरीवन, मेरा नाम समीर है और आप सबका स्वागत है अन अकेडमी क्लैट पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लेट मी टेल यू अबाउट, यहाँ पे हम लोग अन अकेडमी में लाइक क्लैट के बच्चों को तैयारी कराते हैं इस चैनल के थ्रू। आज का जो लाइक वीडियो है थोड़ा सा ऑफ टॉपिक कह सकते हैं कि हाँ, जैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्लैट की और देखा जाए कि क्लैट में आपको पता है कि पाँच जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको लीगल रीजनिंग मिलती है, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलता है, आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो यस, इंग्लिश से जैसे याद आया तो मैं आपको अन अकेडमी पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो अगर आप बच्चे मुझे पहले से जानते हो तो आपको पता होगा कि हाँ, मैं आपकी इंग्लिश इंप्रूव करी है या नहीं करी है। पर जो नहीं मुझे जानते हैं, यू कैन गो थ्रू माई क्लासेज। आपको बस ये करना होगा, अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा, नहीं तो ये डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, यू कैन गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन, आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। एंड यू कैन डेफिनेटली फाइंड, अगर आप इंग्लिश के टीचर को ढूंढ रहे हो, यू कैन डेफिनेटली कम टू मी एंड आई विल लव टू हेल्प यू आउट। तो आज के हमारे वीडियो का टाइटल है 10 बेस्ट लाइफ चेंजिंग एंड इंस्पायरिंग बुक्स टू रीड इन 2021। मानते हैं कि हाँ, पिछले एक दो साल से हमारी लाइफ जो है बिल्कुल से उलट पुलट हो चुकी है। पहले जब हम लोग शाम को बाहर खेलने जाया करते थे, अब हमें घर में ही बैठे बैठे इंडोर गेम्स, पबजी जैसे गेम्स खेलने पड़ रहे हैं। उसके अलावा भी अगर देखे जाए तो हाँ, घर में बैठे बैठे हमें काफ़ी नई नई चीज़ें समझ में आई हैं कि लाइफ में जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टेम्पररी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा परमानेंट रहती है, जैसे हमारी नॉलेज, हमारी इन्फॉर्मेशन, और देखा जाए तो नए नए सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन भी पता चलते जा रहे हैं। पहले हमें क्या लगता था, सिर्फ स्कूल में जाकर नॉलेज मिलती है, अब हमें ये पता है कि हाँ, इतनी सारी सारी कम्युनिटीज़ हैं बाहर, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतने सारे चैनल्स हैं जो आपको नॉलेज, वही जो आपको स्कूल में जाके मिलती है, आपको यहाँ पे मिल सकती है। अब कॉम्पिटेटिव की एग्जाम्स की ही बात ले लेते हैं। पहले हमें लगता था कि हाँ यार, कोचिंग में जाना है, ऑफलाइन एक बैच में जाएंगे, उसमें उनसे बात करेंगे, एंड तभी तभी जाके लाइक यू नो कुछ कुछ बात बनेगी। मगर अब देखो, ऑनलाइन आ गया है, अपन अकेडमी पर जाओ, आपको सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी मिल रही है, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ। वहाँ पे इतने सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, वो आपको मेंटोर करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो यही सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था, ये फीचर्स अन अकेडमी में आपको मिल रहे हैं। अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो 2022, 2023, आप जिसकी भी, अगर आप 2021 की भी तैयारी कर रहे हो, तो अभी करंट बैचेस इतने सारे चल रहे हैं दैट यस, यू कैन एनरोल देम इन राइट नाउ। लाइक यू नो, अभी के अभी आप जाके उनको एनरोल कर सकते हैं, अगर आप 2021 वाले भी हो, क्योंकि बहुत क्विक बैचेस चल रहे हैं। अब अभी देखा जाए, जैसे मैंने बताया, आईलेट भी 30th को होने वाला है, जिसकी डेट्स हमें पता है कि जैसे आईलेट इज गोइंग टू हैपन ऑन 30th, तो उसके भी 30 डेज का क्रैश कोर्स अभी से एग्जिस्टिंग चल रहा है, जिसमें ये सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। यू कैन गो देयर, उनसे पढ़ो, इंग्लिश हिंदी दोनों में उनके लेक्चर्स हैं। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो लाइक आप हिंदी में ले सकते हो, आपको हिंदी में प्रॉब्लम है आप इंग्लिश में ले सकते हो। बट येस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स लाइक There it is. अभी कहा जाता है नेशनल मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा सवाल करते हैं, सर मॉक का क्या करें, सर सर मॉक में नंबर नहीं आ रहे, मॉक क्या करें। तो आप इसमें जा सकते हो, ये बेस्ट ऑफ दी एजुकेटर्स यहाँ पे आपके लिए मॉक बना रहे हैं, और अगर आपको डाउट आता है आप अपनी लाइव क्लासेस में जाकर उनसे पूछ भी सकते हो, दे विल लव टू हेल्प यू आउट। आरंभ 2022, जैसे मैं आपको बता रहा था, 2021 वालों को लाइक यू नो ठीक है, आपका तो अभी एंड हो जा रहा है, मगर 2022 वाले तो बिल्कुल से घबरा गए होंगे, इतनी सारी क्लासेस हो रही हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, अरे सिलेबस ही नहीं क्लियर हो रहा है। आपका भी सिलेबस आया ही नहीं है बच्चे, थोड़ा सा रुको, एनालिसिस कराई जाएगी 2022 वालों के लिए, मैं भी क्लासेस कराऊंगा, तो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड, आपके लिए बिल्कुल हम लोग बिल्कुल से तैयार है, आप टेंशन मत लो। बस 5-6 दिन की और बात है, 5-6 दिन के बाद आप देखना कितना कितना लगे ना, हम लोग बिल्कुल पेस के साथ आपके बोर्ड्स में भी आपकी हेल्प करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, सीबीएसई वालों, ये सब वालों, सो स्टे ट्यून। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना ये बैचेस के लिए, तो अगर आपको इसमें जाना है तो हाँ, थोड़ा सब्सक्रिप्शन लगता है। जैसे अन अकेडमी को थोड़ा समझो, हम लोग यहाँ पे फ्री पढ़ाते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर भी फ्री है, आपका स्पेशल क्लासेस में भी फ्री है, बस ये जो बैचेस होते हैं ना, ये जैसे लिस्टेड क्लासेस आपको मिल जाती हैं, ये सारे के सारे बैचेस जो होते हैं, हाँ ये प्रीमियम मॉडल पे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी टीम होती है बच्चे, समझो। तो अब आप एक चीज़ होती है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो आपको थोड़े से ना एक ऑफर्स मिल रहे हैं, जैसे अगर आपने 12 महीने का खरीद लिया तो आपको 2 महीने का फ्री मिल रहा है, ठीक है, बाय 12 गेट टू फ्री। अगर आपने 24 महीने का ले लिया, जैसे 2023 वाला कोई बैठा हुआ है और ही इज़ लाइक यार सर क्या करूँ, ले लूँ ना ले लूँ, ले ले बच्चे, तुझे पता नहीं, अगर चलो खुदा ना खास्ता अगर अभी तुम्हारे टाइम के आते आते कुछ डिले और आ गया, कोई पैंडेमिक चला ही जाए, हम तो यही कहेंगे कोई डिले ना आए, तो ये 3 महीने बड़े काम आ जाते हैं। और ये सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो तो हाँ, दीज आर द प्राइसेस, अगर आप मेरा कोड यूज़ कर लोगे तो इसके ऊपर से आपको जैसे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसे इस पे आपको मिल जाएगा 2800 का अगर आप ये वाला लेते हो, ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे 350 का मिल जाएगा अगर आप 1 महीने वाला लेते हो। तो यस यस, अगर आप इसके ऊपर एडिशनल मेरा कोड लगा लेते हो, रेफरल कोड डेट इज सैम, आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अब आपको लगता होगा कि सर हमें लाइक यू नो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें लाइक यू नो थोड़ा स्कॉलरशिप वॉलरशिप का थोड़ा सा, तो ये स्कॉलरशिप का भी इंतजाम हुआ हुआ है। अगर आप देखो, अगर आप रैंक 1 पे आते हो तो आपको 75% का स्कॉलरशिप मिल जाता है, उसके ऊपर आप 10% का तो मेरा लगा ही सकते हो सैम कोड यूज़ करके, और अगर आप टॉप 5 में आ गए तब तो 50% मिल रहा है, तब भी बच्चे तब भी डूएबल है। और ये हर संडे आपको मौका मिलता है, अगर एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, हर संडे आओ, हर संडे मौका दो, एक ना एक बार तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जितना तुम तैयारी कर रहे होगे इसके लिए, तुम्हारी उतनी मेन क्लैट के लिए भी तैयारी होती रहेगी, क्योंकि सिलेबस सेम रहता है, ठीक है।
है। तो ये वीकली T20 टेस्ट भी होते रहते हैं, जिसमें आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल क्विकली, जैसे T20 का मैच होता है, बिल्कुल आप आके यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। अब इस वीक में अगर देखा जाए आईलेट के लिए, जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई क्लैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट हो ही रहा है, 60 मिनट, 60 क्वेश्चन एंड 60 मार्क्स, एवरी फ्राइडे होता है 4 to 5 PM। और हाउ टू प्रिपेयर क्लैट सर जी, अभी एक वीडियो हमारा अभी अभी कभी चैनल पर डाला हुआ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, भूला मत किया करो, लाइक करने का बटन दबा दिया करो, फॉलो कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ और भी आते रहेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि उन्होंने अभी मतलब दो लोगों को बिठाया, ऑल इंडिया रैंक 2 वाले को और ऑल इंडिया रैंक 97 वालों की, एक दूसरे की अप्रोच देखी कि क्या बदला है, क्या बदला है 2016 से 2020 में, बच्चों में कुछ बदलाव आया नहीं आया। तो प्लीज़ ये वीडियो को जरूर देखना, इन दोनों बच्चों की स्ट्रैटेजीज को देखो और कुछ सीखो इनसे बैठ के। ये हमारा अनअकैडमी का क्लैट का चैनल, जैसे कि जिसमें आप हम लोग हम भी हमारे को देख रहे हो। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कमेंट जरूर करना इस वीडियो पे, और लाइक और शेयर तो बिल्कुल करना। तो चलो बच्चों वापस आ जाते हैं Top 10, लाइक यू नो मेरे हिसाब से जो बेस्ट लाइफ चेंजिंग एंड इंस्पायरिंग बुक्स टू रीड इन 2021। तो हमारी लिस्ट में अगर हम लोग बात की जाए पहली किताब पे आने से पहले, हमें ये पता है कि अ बुक कैन चेंज योर लाइफ। एक एक चीज़ समझो, हम इंसान लोगों की लाइफ बदल देते हैं। और आपको पता है कि माना जाता है हम इंसान एक ओपन बुक्स होती हैं या फिर एक ओपन लाइब्रेरी होती हैं, राइट, जिसमें कोई भी इंसान आके हमारे किसी भी चैप्टर से कुछ ना कुछ सीख सकता है। जैसे मैं आपके लाइफ के किसी भी चैप्टर से कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ, जैसे अगर आपने कभी भी किसी एक सब्जेक्ट में नंबर कम लाए होंगे, फिर आपने उसको नेक्स्ट हाफ ईयरली टर्म में एकदम से डबल नंबर ले आए होंगे, तो आपकी जो मेहनत रही होगी उसने मुझे इंस्पायर किया होगा। तो बुक्स का काम भी ऐसा ही होता है, जैसे हम लोग हर इंसान से जाके बात नहीं कर पाते, होता है ना कि हर इंसान के साथ एक कम्युनिकेशन नहीं बनता, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, मगर किताबें जो होती हैं ना वो एक ही होती हैं, वो तुम्हारे से चलती हैं, जितना टाइम तुम उन्हें दे सकते हो उतना टाइम वो तुम्हारे साथ रहेंगे। इंसानों की तरह नहीं है जो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर बुक कैन चेंज योर लाइफ, अगर मैं से तुम्हें पूछूं, यस अ बुक कैन डेफिनेटली चेंज योर लाइफ, अ बुक कैन चेंज योर लाइफ, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स मस्ट बी योर बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि बच्चे, तुम्हें मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया है ना कि लोगों के साथ जाके हाँ मुश्किल है, मगर किताबों के साथ जैसे तुम खोलोगे, जिस पन्ने पे जाओगे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, ऑथर कुछ ना कुछ बता ही रहा होगा। अगर तुमने ये हैबिट बना ली ना रीडिंग की, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लाइफ के अंदर ना सीधा सीधा पेशेंस भी आने लग जाता है। तुम खुद देखो, एक पेशेंस के साथ तुम एक किताब को रीड कर रहे होते हो, 400 पेजेस की, 250 पेज की, 150 पेज की, और फिर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है और एक इमोशनल ड्राइव आती है। मैं कसम से बता रहा हूँ, तुमने कोई ढंग की फिक्शन बुक उठा ली ना, एक रोलर कोस्टर की तरह तुम्हें कहानियाँ दिखती है। जैसे अभी हम लोग रियल लाइफ में इमेजिनेशन करते हैं ना, इस किताबों में हमें एक डायरेक्शनल एक इमेजिनेशन मिलती है। जैसे खुद देखो, अभी तुम बैठे हो, तुम ओवरथिंक करने लग जाओगे, यार मेरे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, मैं क्या करूंगा लाइफ में, मुझे नहीं पता। मगर अगर किताब तुम्हारे हाथ में है और वो कुछ ना कुछ एक नॉलेज दे रहा होगा, लाइफ का लेसन दे रहा होगा, क्या पता करेक्टर जैसे जिस रास्ते में तुम बैठे हो, तुमने एक ऐसी किताब पढ़ी जो उसी रास्ते में, मतलब उसी जगह पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, है ना। तुम खुद देखो कितनी हेल्प मिलेगी ना यार, तुम रिलेट फाइंड करोगे, यार तुम अकेले नहीं हो, ऐसा और भी लोगों के साथ होता है, और लोगों के साथ होता है तो वो क्या करते हैं, तुम्हें सारी चीजें पता चल जाती है। और ये तो बस एक लाइफ लेसन बता रहा हूँ, इसके अलावा कितने अदर चीजें होती है जो तुम्हें किताबें सिखा सकती हैं, राइट। अ बुक कैन चेंज योर लाइफ में, और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देर आर बुक्स और नॉवल दैट एंटरटेन यू। देखो अभी जैसे बता रहा था, कुछ आपको एजुकेट करती है, कुछ आपको एंटरटेन करती है, कुछ आपको सिखाती हैं, कुछ आपको मतलब होता है ना प्यार करा देती हैं करेक्टर्स के साथ, आपको और क्लैरिटी देते हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, और क्लैरिटी देते हैं गोल्स को लिव करते हुए। जैसे वो करेक्टर्स जब अपने सपनों को जी रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यार सपने मेरे भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग लिविंग ह्यूमंस को देख के इंस्पायर होते हैं, जैसे शाहरुख खान हो गए, आपके फेवरेट मूवी कैरेक्टर्स हो गए, इन लोगों को देख के आप जैसे इंस्पायर होते हो, मैं कहूँगा किताबों के भी कैरेक्टर्स के साथ इंस्पायर हो। क्योंकि यार देखा जाए, ठीक है माना ये सब फिक्शनल है, वो भी तो फिक्शनल है वहाँ पे। अगर आप किसी हीरो को देख के, जैसे अगर मैं ये जवानी दीवानी के बनी की बात करूँ, बनी को देख के आपको ट्रैवल करने का मन करता है, तो बुक पढ़ के भी तो आपका हो सकता है ना। अब कुछ सवाल ये आ सकता है कि सर हमसे रीड नहीं किया जाता, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चे को कंसंट्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, वो एक लैक ऑफ इंटेंट है, तुम वो करेक्टर्स को इमेजिन नहीं कर पाते हो। जैसे मूवीज में तुम्हें इमेजिन कराया जाता है, यहाँ पे तुम इमेजिन नहीं कर पाते हो। सो डेफिनेटली इन अपकमिंग लाइक यू नो वीडियोज आई वुड बी शेयरिंग इट विद यू कि आप रीड अगर करो तो इमेजिनेशन कैसे करो। क्योंकि अगर तुमने एक सीख लिया ना, तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल इंप्रूव होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपको भी पता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अभी तक मैंने आपको बताया बुक्स कैसे आपकी लाइफ बदल सकती हैं, बुक्स कितने टाइप की होती हैं, बुक्स के साथ कैसे कैसे रह सकता है, क्या सीखा जा सकता है। तो आओ अभी 10 बुक्स पे भी आ जाते हैं। मेरी लिस्ट में पहली जो बुक है, दैट इज अ मैन सर्च फॉर द मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। जैसे आप नाम में ही देख सकते हो कि मैन क्या ढूंढ रहा है, मैन सर्च फॉर द मीनिंग, लाइफ में मीनिंग ढूंढ रहा है, काम में मीनिंग ढूंढ रहा है, इतने इतने सारे इन्फ्लुएंसेस बन जाते हैं ना इस टाइटल के साथ। और ये बुक नंबर वन है मेरी लिस्ट में। दिस इज अ शॉर्ट बट एक्सट्रीमली इंटेंस बुक, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1946। ये है अबाउट दी ऑथर, जो कि इनके ऑथर हैं विक्टर एमिल फ्रैंक। ही लिव्ड लाइक यू नो बिटवीन 1905 टू 1997, वॉज एन ऑस्ट्रियन जीव, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकैट्रिस्ट, अ होलोकॉस्ट सर्वाइवर। ही ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट द लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैज इट्स ओन डिफरेंट मीनिंग। मतलब होता है ना कि हम लोग एक पजल के पीसेस की तरह है,
अगर देखा जाए हम सबके सब पीसेस की तरह है, बस हमें ना हमारा जो वर्ल्ड होता है बहुत छोटा सा वर्ल्ड होता है और ये बिल्कुल से एक पजल का पार्ट होता है। जैसे आप देखो कि आप कुछ लोगों से बार बार टकराते रहोगे, है ना, आपके फैमिली वाले, आपके एक सर्टेन टाइप ऑफ लोगों से हमेशा टकराते रहोगे, वही वो पीसेज होते हैं, वो एक ही पजल के पीसेस होते हैं और यही सारी पजल्स को मिलकर पूरी दुनिया चलती जा रही है। कभी आप ये वाला पीस लेकर अगर किसी और की दुनिया में जाओगे, किसी और की छोटी सी दुनिया में पजल में जाओगे, आप फिट नहीं बैठोगे। तो ऑलवेज लाइक यू नो स्टे हैप्पी जहाँ पे आप हो, ग्रैटिट्यूड मतलब दिखाओ चीज़ों को लेके दैट येस मैं यहाँ पे हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये बुक का भी नोशन वैसा ही है। इन दिस बुक ही सेड दैट ही एंड अदर सर्वाइवर्स केप्ट देमसेल्व्स अलाइव बाय इमेजिनिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द लाइफ्स आफ्टर द वॉर। दोज हू फेल्ट होपलेस एंड दे कुड नॉट पिक्चर देमसेल्व्स रीयूनाइटिंग विद देयर फैमिलीज आफ्टर द वॉर पेरिश्ड। मैंने जैसे आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि आप जिंदगी जीना लगते हो, आप किसी के कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेने लग जाते हो जब आप देखते हो कि वो आप उस सिचुएशन में अकेले नहीं हो। तो यहाँ पे ये ऑथर ने किताब इसलिए लिखी थी क्योंकि वॉर हीरोज उस टाइम पे उनको पता ही नहीं था कि वो जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, फैमिली वालों से जाके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यस, उनको एक पिक्चर दिखाने के लिए, एक होप दिखाने के लिए, पॉजिटिविटी करने के लिए ये किताब लिखी गई थी। एज इफ दे हैड नो लॉन्गर एनी रीजन फॉर लिविंग एंड दस दे चूज टू डाई रादर देन टू सर्वाइव। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ आर टाइम विक्टर फ्रैंकल डेवलप्ड अ साइकोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दैट रिजल्ट्स इन अ वेरी बेसिक प्रेमिसेस, हैप्पीनेस इज अ चॉइस दैट ह्यूमंस कैन मेक रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस। कितना प्यारा मैसेज इस किताब में लिखा हुआ है ना यार, कि मतलब मानते हैं लाइफ हमें होप नहीं देती है ना, कभी कभार हमारी होप को भी मतलब होता है ना, जैसे कैंडल में आग जल रही होती है, किसी ने फूंक मार देते हैं वो कैंडल बुझ जाती है, सेम लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कभी कभार आप होप का दिया जला तो देते हो मगर हवाएं उसे बुझा देती हैं। यहाँ पे भी किताब में यही लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल एक बिल्कुल सेट वो है कि मतलब ह्यूमन को दिखा देता है कि हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। जैसे अगर आपकी दिया बुझ गया है तो आप दिया फिर से जला सकते हो बाय चॉइस, वो हैप्पीनेस बाय चॉइस है रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, लाइफ आपकी जैसे भी चल रही हो। तो यस, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। He also said that we should not ask for the meaning of our life, rather we should ask for what wants from us. Indeed, हमें ये पूछना ही नहीं चाहिए कि लाइफ का मीनिंग क्या है, हमें ये पूछना चाहिए कि हमसे लाइफ चाह क्या रही है और हम लाइफ को वो देते हैं। जैसे आप होता है ना, कभी भी अगर किसी इंसान की हेल्प करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, यार मैं तेरी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, सवाल करते हो, है ना। सेम, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए लाइफ से पूछो, लाइफ से मांगो नहीं, लाइफ से बोलो तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हें देता हूँ। अब सेकेंड आ जाते हैं हमारे इस लिस्ट में जो किताब है, दैट इज थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। डू यू एवर गेट दीज क्वेश्चन इन योर माइंड, मतलब ये जो सवाल मैंने आप लिखे हैं स्लाइड में, क्या ये आते हैं आपके दिमाग में, वाई आर सम पीपल सो रिच वाइल अदर्स अनफॉर्चुनेटली आर पुअर, आता है क्या? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ बच्चे, अगर कहीं खो गए हो मैं कहूँगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ मुझे, क्या तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आता है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, इतना मिसबैलेंस क्यों है? वाई डू सम पीपल स्काई रॉकेट अहेड वाइल अदर्स स्टे स्टक, कुछ लोग बड़ी तेज़ी से आगे जाते हैं और तब भी सक्सेसफुल रहते हैं, नहीं कि गिर रहे हैं बड़ी तेज़ी से जा रहे हो गिर रहे हो, नहीं स्काई रॉकेट जाते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे 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 चलते हैं, ये समय का इतना मिसबैलेंस क्यों है? अगर सवाल आता है बच्चे, अगर तुम्हारे पास आंसर भी है सवाल का तो अभी कभी वीडियो पॉज करके कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं ज़रूर पढ़ूंगा कमेंट, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं तुम्हारा कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। तो अब आगे देखते हैं कि हाउ टू अचीव गोल्स, क्या ये भी आता है कि हमें गोल्स तो मिल गए हैं, हमें सपने तो देखना सीख गए हैं, मगर उन सपनों को पूरा कैसे करें, है ना। हाउ टू अर्न मोर मनी इन लेस टाइम, यार पैसे तो कमाने हैं यार, इतने कम समय में कैसे कमाएं, मतलब होता है ना कि बचपन में, जैसे मुझे एक बड़ा फनी सा इंसिडेंट याद आ रहा है, मैं और मेरे दोस्त जो छोटे से होते थे ना, व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोग कहते थे जब भी हमारे मॉम डैड से लड़ाई हो जाती थी, वी वर लाइक हम घर छोड़ के जा रहे हैं, हम पैसे कमाएंगे, हम घर वापस तब आएंगे जब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में बच्चे। बट हाउ टू अर्न मोर मनी इन लेस टाइम, आई थिंक ये मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे सोचते ही रहते हैं, अभी भी अगर देख रहा होगा तो इक्का दुक्का बच्चा मुझे पक्का पता वीडियो देखते हुए सोच ही रहा होगा कि हाँ यार पैसे कमाने चाहिए, अमीर होना चाहिए, BMW होनी चाहिए, बड़े बड़े घर होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। इफ यू एवर हैड दिस क्वेश्चन इन योर माइंड, दिस बुक इज फॉर यू, यू विल गेट ऑल द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल द आंसर्स, सारे के सारे आंसर्स तुम्हें मिल जाएंगे। थिंक एंड ग्रो रिच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक रिटन बाय द लेजेंड नेपोलियन हिल, इट इज कंपाइल्ड फॉर यू सो दैट यू कैन टेक अवे द मेजर आइडियाज एंड चेंज योर लाइफ इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम पॉसिबल। अब बात रहती है कि थिंक एंड ग्रो रिच, आपको पता है कि हम लोग, कहा जाता है पैसे पेड़ पे नहीं उगते, है ना, मगर थॉट्स जरूर आपके ब्रेन के पेड़ पे उगते हैं। तो अगर आप जितना उसको नर्चर करोगे, जितना नरिश करोगे, जितनी सही चीज़ें उसको बताओगे, जितना उसका ध्यान रखोगे, आप उतने ही रिच होगे। और रिच खाली मनी से नहीं होता है, आपके थॉट से भी होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी होता है, आपकी हेल्थ से भी होता है, और ये सारी चीज़ें सही रहेंगी तो आप रिच ऑटोमेटिकली होते भी जाओगे, बिकॉज राइट माइंड सेट ऑलवेज लीड यू टू द राइट डायरेक्शन। तो यस, ये बुक में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। दिस बुक इज फॉर द पीपल हु वॉन्ट
टू डिवोट द ग्रेटेस्ट बुक्स इवन विद अ बिजी स्केड्यूल। अगर आप इतने ज़्यादा बिजी हो, जैसे आप टाइम नहीं निकाल सकते, मैं तो क्लैट 2021 वालों को ही अभी बिजी समझूंगा कि इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, इतना सारे सब्जेक्ट रिविजन कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, क्लैट खत्म हो जाने दो। जिस दिन खत्म होगा ना, बुक को ऑर्डर कर लो, तब तक तुम्हारे घर में आ जाएगी। इसका पहला पेज से स्टार्ट करना तुम्हें लाइफ का, तुम्हारे जो अगर डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, लाइफ कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा है, this book is for you. However, this summary will give you a complete understanding in much less time. Yes. Now let's come to the third book, How to Win Friends and Influence People. ये मैंने एक बच्चे को बहुत पहले बोला था, एंड उस बच्चे ने काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे दिया था, दैट सर दिस बुक एक्चुअली हेल्प मी, दिस बुक विल डेफिनेटली चेंज योर परसेप्शन टू अवर पीपल अराउंड एंड ऑल्सो टीचर्स यू अ लॉट हाउ टू सी एंड जज अदर्स। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स रिलेटेड टू द की रिलेशनशिप ऑफ द ह्यूमन। अगर आपको नहीं समझ में आता रिश्ते के मायने क्या होते हैं, रिश्तों को निभाने कैसे होते हैं, इस बुक इज़ फॉर यू। अगर आपको लगता है कि आपका सर्कल आप मेंटेन नहीं कर पाते, बना नहीं पाते, दोस्त नहीं बना पाते, इंसानों को नहीं समझ पाते, प्लीज़ बच्चे इस बुक को ज़रूर रीड करना। एंड लेट्स गो अहेड। दिस बुक टेल्स यू हाउ टू विन पीपल हार्ट, मतलब नॉट इन अ मैनिपुलेशन मैनर, बट वेरी 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 लाइक नो कंस्ट्रक्टिव मैनर, कि आप लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हो जिनसे आप उनका दिल, उनका टेंशन एंड उनकी लाइक यू नो एक रिस्पेक्ट आप अर्न कर सकते हो। हाउ टू टॉक विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से कब बात करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कब अब्यूज नहीं होना चाहिए, जैसे आप होते हैं ना एकदम से वो आपको एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं, कुछ दोस्त आपका यूज़ करने लग जाते हैं, येस। हाउ टू कन्विंस पीपल, येस दिस बुक हैज इट। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन देयर हार्ट, जैसे मैंने आपको बताया बुक एक्चुअली में लाइक यू नो इट्स ऑल इन वन। अगर आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है और आप लोगों से बात नहीं कर पाते, सो नाउ ऑन नंबर 4 आई हैव द लास्ट लेक्चर बाय रैंडी पॉश। द लास्ट लेक्चर बुक इज काइंड ऑफ रैंडी पॉश लास्ट हुर्रे, अ क्लोजिंग नोट टू द वर्ल्ड एंड हिज लव्ड वंस, हाउ टू लिव लव एंड लेट गो। ये लास्ट लेक्चर बुक इज काइंड ऑफ अ रैंडी पॉश का लास्ट हुर्रे, मतलब ये लास्ट किताब थी उनकी, अ क्लोजिंग नोट टू दिस वर्ल्ड, एक मतलब जाते जाते एक आखिरी शब्द दुनिया को देना चाहते थे और अपने प्यार वालों को जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कि कैसे जीना चाहिए, कैसे प्यार करना चाहिए और कैसे चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, क्योंकि ऑथर की लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, तो वो ऑथर अपने अप्स एंड डाउन इस किताबों में शेयर कर रहे हैं। ही वॉज अ वेल लाइक प्रोफेसर एट कार्निक मेलॉन एंड वॉज इन्वाइटेड टू गिव अ लास्ट लेक्चर, अ ट्रेडिशन ऑफ सॉर्ट्स वेयर अ प्रोफेसर इज अर्ज टू गिव अ स्पेशली प्रिपेयर्ड लेक्चर एज डो इट वॉज द लास्ट शी वर टू एवर गिव। ये उनका लास्ट लेक्चर था, मतलब ये जो किताब है और ये जो इंसिडेंट जिसकी बात हो रही है, ये उनकी लाइफ का लास्ट लेक्चर था। एंड सो दे एनकरेज टू ब्रेक डाउन ऑल द नॉलेज लर्न इन देयर लाइफ एंड ड्यूरिंग देयर करियर्स इनटू वन आवर लॉन्ग प्रेजेंटेशन एंड से दिस इज द बेस्ट ऑफ व्हाट आई नो, हियर यू गो। होता ना पूरी जिंदगी को कंपाइल करते हुए एक घंटे में वो सामने लेके अपने लास्ट लेक्चर को जब दे रहे थे, आई टोटली अंडरस्टैंड कितना इमोशनल रहा होगा। जैसे अगर आप खुद सोचो, हमारी क्लासेस होती हैं, एक दिन आपको पता चले दैट दिस वाज बी द लास्ट क्लास ऑफ समीर सर, इमोशनल मोमेंट आ जाता ना, वही सेम उनके साथ भी कितना होगा। बट वो रैंडी पॉश, दिस लास्ट लेक्चर became somewhat of the sensation because shortly before he was scheduled to give his presentation, he learned that he had last stage pancreatic cancer and he only had 3 to 6 months left to live. Quite sad. And that's why, you know, this book becomes very special because it adds emotional value in all of us, you know. It shows you, it depicts you कि कितनी ज़्यादा life में चीज़ें होती हैं, not just work, not just career, not just family, not just friend. There are other living things. Nature has like, you know, a lot to offer you. Emotionally, mentally, like, you know, physically you can see some through your eyes. Sunset, sunrises, they add value, they add meaning to your life. So yes, we should like, you know, value everything, what we have, what we are seeing, what we are doing. Like right now you are seeing this video, we should be gratified that yes, we are able to get a chance ki ek dusre se baat kar pa rahe hai. I am like, you know, really really like, you know, fulfilled about all the things I'm doing in life and I hope aap bhi ho. Agar aap bilkul se khush ho apni life mein jo aapko mila hua hai, agar aap theek hai, zyada ki chahat hona bahut achhi baat hoti hai, magar जिस जो चीज़ आपके पास है, अगर आप उसमें खुश हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर अभी नए हो, अभी मतलब वीडियो लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। द फाउंटेन हेड बाय एन रैंड वुड बी माय नंबर 5 पिक। एंड इस किताब में अगर आपको थोड़ा सा, अगर मैं ओवरव्यू आपको दूँ, तो ये एक एक्सल्टेड व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिविज्म फिलोसफी की है, कि जो ऑब्जेक्ट करके हम लोग फिलोसफी करते हैं, पोर्ट्रेइंग अ विजनरी आर्टिस्ट स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द डल कंफर्मिस्ट डॉग्मा ऑफ हिज पीयर्स, अ बुक ऑफ एम्बिशन पावर गोल्ड एंड लव। कुछ लोग आपको मिलते हैं ना लाइफ में जो बहुत ही अपने आप को बेस्ट समझते हैं, लाइक यार हम तो बेस्ट हैं, दुनिया मेरे लायक नहीं है, मैं दुनिया के ऊपर हूँ।
तो ये किताबों में वही एक बिल्कुल से एक ऑब्जेक्टिफाइड वो दिखाया गया है। द करेक्टर्स आर फैसिनेटिंग, वेरी वेल डेवलप्ड एंड द स्टोरी इज एट टाइम्स ग्रिपिंग। द स्टोरी ऑफ फाउंटेन हेड इज नॉट सेक्रीफाइस टू क्रिएट एन एथिकल ट्रीटीज। ठीक है, मतलब अगर करेक्टर्स देखा जाए काफी फैसिनेटिंग है, काफी वेल बैलेंस्ड है, कि आपको दिखाया जा रहा है कि हाँ ऐसा लगेगा कि किसी रियल चीज की बात हो रही है। तो यस, गो फॉर दिस करेक्टर्स। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, दिस हेल्प्स यू रियलाइज द पेन एंड एगोनी ऑफ अ पर्सन हु स्टैंड्स ऑन हिज ओन बिलीफ। जैसे मैंने बताया ना, कुछ लोग अपने आपको भरोसा करते हैं, वो दुनिया से उठ के चले जाते, मतलब दुनिया से ऊपर है, एंड दे आर वर्किंग हार्ड फॉर इट एज वेल। अगर उनका कॉन्फिडेंस इतना है तो पक्का रीजंस है भी उनके पास, बिकॉज दे आर वर्किंग हार्डर देन रेस्ट ऑफ देम। अब वो कैसे डिसाइड करते हैं, मे बी उन्होंने देखा होगा, कुछ किया होगा, मतलब वो उनकी पर्सनल है, यहाँ पे ऑथर और कैरेक्टर्स का पर्सनल है। तो वो अपने बिलीव के लिए जब स्टैंड करते हैं ना, जैसे आपको पता है कि अगर कोई आपको नीचा फील करा रहा है और आप हल्ला करके बोलते हो दैट यस दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट हु आई एम, तो देखते हो ना कितना कितना लाइक यू नो लोग आपको गैंग अप करके बिल्कुल से छोटा करने लग जाते हैं, छोटा फील कराने लग जाते हैं, सरकास्टिक होने लग जाते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं। सो यस, इस किताब में यही दिखाया गया, एक बिलीव को, एक सेल्फ बिलीव को, एक पावर को कैसे, मतलब होता है ना, कैसे आप डेवलप कर सकते हो। सिक्स्थ नंबर में मेरी एल्केमिस्ट है, जो ऑल टाइम लाइक यू नो ऑल टाइम बेस्ट सेलर जिसको कहा जाता है, जिस किताब को पोलो खोलो की, एंड दिस बुक इज एक्चुअली द ऑल टाइम बेस्ट सेलर। 65 मिलियन कॉपीज फॉर एनीवन हु रीड्स, नॉट ओनली टू एस्केप रियलिटी बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड रियलिटी। मतलब आप खाली इसलिए नहीं रीड करते कि आपको एक रियलिटी से फेंका जा रहा है, मगर आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए भी कि आप रियलिटी में क्या फील कर रहे हो। एल्केमिस्ट कैन ऑफर यू द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। The events on the of the novel sit just on the borderline of miraculous, and the ambience is simply just not that of humdrum teenage world. However, The Alchemist also supplies insight and inspiration that extends beyond San Diego, Sahara, and into all lives, whether young, old, or teenager. ये सारे age groups के लिए बिल्कुल best किताब है। अगर आप इसमें मतलब है ना कुछ सीखना चाह रहे हो life में, अगर कुछ भी confusion चल रही है, उठा लो Alchemist. 7. Dad, Poor Dad. Okay, it's by Robert Kiyosaki. अगर आप देखो तो काफी like funny, थोड़ा सा funny मुझे लग रहा है। Dad, Poor Dad. Rich Dad, Poor Dad explain the difference and distinction between how rich class and poor are. Okay, it's basically like you know Rich Dad, Poor Dad. Like you know this book is Rich Dad and Poor Dad. Rich is missing. And यहाँ पे मुझे अभी यही याद आया, मैं कहता हूँ मुझे funny लग रहा था। Yes, this book is Rich Dad and Poor Dad. And explain. Just I'll be back. आई एम बैक। ये हमेशा चार्जिंग वाला ना बहुत प्रॉब्लम करता है। ओके, सो दिस बुक एक्सप्लेन डिफरेंसेस एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन हाउ द रिच क्लासेस एंड पुअर एंड मिडिल क्लासेस मैनेज देयर मनी। द ऑथर डिफरेंशिएट थ्रू आउट द एंटायर बुक एक्सप्लेनिंग हाउ हिज बेस्ट फ्रेंड्स डैड द रिच डैड वॉज सो सक्सेसफुल। वन ऑफ द मेन सिग्निफिकेंस डैट वर एम्फसाइज वॉज वर्किंग हार्ड वॉज डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग एंड स्पेंडिंग स्मार्ट। ओके, सो यहाँ पे ये दिखाया गया था कि हमें एम्फेसिस किया गया था वर्किंग हार्ड पे एंड डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग एंड स्पेंडिंग स्मार्ट। फॉर एग्जांपल, यू कैन बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द बिल्डिंग, बट इफ यू आर नॉट स्मार्ट ऑन मैनेजिंग योर मनी, यू कैन हैव नथिंग टू शो फॉर इट। मतलब अगर आप ठीक है हार्डेस्ट हो सकते हो आप बिल्डिंग में, बट इफ यू हैव नॉट स्मार्ट ऑन मैनेजिंग योर मनी, यू कैन हैव नथिंग टू शो फॉर इट। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। अब हमारी नंबर 8 में किताब है कॉस्मोस बाय कार्ल सगान। इन कॉस्मोस, कार्ल सगान टेक्स यू ऑन एन इनक्रेडिबल जर्नी थ्रू टाइम एंड थ्रू स्पेस। सगान गिव्स हिज थॉटफुल एनालिसिस एंड इनसाइट टू मेक एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे आते हैं कि वो अपनी थॉटफुल एनालिसिस करते हैं। जैसे हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं ना, जैसे अगर कभी भी आपने डेली शो का खराब वो टीवी सीरीज देख रहे होगे, तो यार ये आगे जाके पक्का कुछ गड़बड़ करेगा, ये करेक्टर बहुत गड़बड़े लगा वाला है, ये मतलब ये बहुत मस्ती हो रहा है, पक्का कुछ गड़बड़ करेगा आगे जाके, अरे मत कर गड़बड़, तुम बात करते हो ना करेक्टर से। तो सेम ये जो तुम बातें कर रहे हो, तो ये तुम्हारी थॉटफुल एनालिसिस होती है चीज़ों को लेकर। जैसे तुम रियल लाइफ में एनालिसिस करते हो, वैसे वहाँ पर भी एनालिसिस कर रहे हो। तो सेगन ने भी अपने एक थॉटफुल एनालिसिस किया है टू मेक एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर फॉर यू ऑल। दिस बुक इज सीरियसली फुल ऑफ माइंड ब्लोइंग इन्फॉर्मेशन दैट इज जस्ट प्लेन फन टू थिंक अबाउट। The most endearing part of this book is how is written with so much heart and passion. ठीक है, he is a prophet of science and nature. अगर इसको हम लोग बात करें कार्ल सगान की, तो he is a prophet of science and nature, showing us that we are all part of the matter and spaces between the universe. ये थ्योरी हम लोगों ने पढ़ रखी है, अगर आपने नहीं पढ़ रखी बच्चे, प्लीज गो फॉर इट। नंबर 9 पे मेरी जो किताब है, दैट इज द मेडिटेशंस बाय मार्कस एरेलियस। तो मेडिटेशंस बाय मार्कस एरेलियस में अगर हम लोग की बात करें, तो हैज योर लाइफ एवर बीन चेंज्ड बाय अ बुक, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज में, क्या किताबें लाइफ बदल सकती हैं? तो इस किताब में यही क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है। द मेडिटेशंस ऑफ मार्कस एरेलियस विल चेंज योर लाइफ, बुक्स दैट डू दिस आर नेसेसरी रेयर।
बट इवन रेदर देन बुक्स दैट चेंज योर लाइफ आर द बुक्स दैट चेंज द वे यू अंडरस्टैंड लाइफ चेंजिंग बुक्स. Indeed. If you want to better understand Marcus Aurelius, you want to read this book, Marcus Stoic Collaboration Epictetus, Seneca showed up in the book almost as frequently as Marcus. अगर तुम अंडरस्टैंड करने चाहते हो इस बुक को तो आई थिंक मार्कस की जो ये बाकी किताबों के बारे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली इसकी तरह ही है. तो हैडर डज नॉट ग्लिबली समराइज दिस फिलोसोफर व्यूज, ही इज इंटरेस्टेड इन लेटिंग द एंशियंट स्पीक फॉर देमसेल्व्स. दिस ऑलमोस्ट एवरी पेज इज स्टफ्ड विद कोट्स ऑफ एनालिसिस एंड कोट्स ऑफ एनालिसिस, बेसिकली जस्ट लाइक सीक्रेट्स. अगर आप लोगों ने कभी हीरो पढ़ी हो, सीक्रेट सीरीज की एक किताब जो आती थी, हीरोज में भी कोट्स दिए हुए डिफरेंट डिफरेंट फेमस फेमस पर्सनैलिटीज के एंड उसके बाद में उसकी एनालिसिस हो रखी है. तो यस, यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10 पे हमारी जो किताब है वॉर एंड पीस. वॉर एंड पीस लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने, जो कि काफ़ी अच्छे काफ़ी नामी ऑथर हैं. सर्टेनली देर इज लव इन पीस, देर इज लव इन पीस इन डीड. इट इज टाइम ऑफ चिल्ड्रन सरेनिटी ग्रोथ एंड मदर पीसफुली रेजिंग हर चिल्ड्रन. The farmer lovingly training this field is like, you know, the elderly passing their final days in the comfort surrounded by family, but there is love in war as well. तो ये थोड़ा सा contradicting लगता है ना. हम लोग हमेशा सुकून से प्यार करते हैं, सुकून की ओर जाना चाहते हैं, मगर कभी कभार वॉर में भी प्यार होता है. और इस ऑथर ने इस किताब में बहुत अच्छे से बताया है द लव फॉर वंस कंट्री, की वॉर के टाइम पे कैसे प्यार होता है. सच इज अ पर्सन वायलेंट अटैचमेंट टू देयर मदर लैंड दैट दे विल डाई फॉर इट, जैसे पैट्रियोटिज्म हम लोग जिसे कहते हैं, टू गिव अप ऑन योर ओन लाइफ सो दैट अनदर शुड लिव, दैट इज लव इन डीड. आपने देखा होगा कि आर्मी मैन में कभी भी जब भी वॉर होती है, हमें मूवीज में भी दिखाया गया है, अपने साथी को बचाने के लिए लोग अपनी कुर्बानी दे देते हैं, अपने कंधों में टांग के जाते हैं जबकि उनकी गोलियां लगी होती है. ये प्यार है, ये पैशन, जुनून, ये जो जुनून होता है ये प्यार में होता है. तो अगर आपको ये किताबों में से कोई भी किताब लगे कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, आपको वो अच्छी लगती है, और इसके अलावा भी अगर कोई हमें किताब जो हम लोग भूल गए हैं, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताओ, बिकॉज मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर ऐड करूँगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ बनते रहेंगे. ये तो लाइफ चेंजिंग के लिए मेरी लिस्ट थी. अगर कोई किताब रह जाती है तो बच्चे मैं एक्सटेंडेड लिस्ट ज़रूर बनाऊंगा जिसमें तुम्हारी किताबें रहेंगी. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक बटन दबा दो, अगर तुमने फॉलो नहीं किया हुआ है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे अगर अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया तो भैया डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, सारे के सारे लिंक है. क्लिक ऑन दैट लिंक, सीधा सीधा मेरी प्रोफाइल पे आओगे, वहाँ पे मेरा मैसेज बटन खुला हुआ है, मुझे मैसेज कर देना, कुछ भी बात करनी हो, वी विल लव टू टॉक इट. और अगर तुम प्लस लेना चाह रहे हो, मेरा कोड यस सैम यूज़ कर लेना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड इट वॉज इंडीड अ ग्रेट सेशन, आप आते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगा. बाय.